हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन चैनल। अगर मैं आप सभी से पूछूं कि आपके हिसाब से दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी कौन सी होगी, तो आप में से ज़्यादातर लोगों का यही जवाब होगा कि कुवैती दिनार या अमरीकी डॉलर्स, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है। 21st सेंचुरी के इस डिजिटल एरा में आप क्रिप्टो करेंसी को दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी कह सकते हो, क्योंकि एक बिटकॉइन की कीमत आज की डेट में, जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, तब 5,95,379.63 रुपये है। वैसे हमारे प्यारे भारत में बिटकॉइन परचेस और सेल करने पर टेक्निकली कोई बैन नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे नहीं रहती है। बिटकॉइन से जुड़े तमाम सवालों में से एक सवाल ये भी है कि आखिर इस क्रिप्टो करेंसी का इन्वेंट किसने किया और इसे मार्केट में किसने उतारा। तो आइए जानते हैं बिटकॉइन के इन्वेंटर के बारे में और कुछ उसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। मेरे साथ मैं हूँ विशाल और आप देख रहे हैं होमस्टे। का इन्वेंट सतोशी नाकामोटो नाम के एक शख्स ने किया है। सतोशी नाकामोटो एक अननोन पर्सन है और उनके बारे में इंटरनेट पर बहुत ही कम जानकारी अवेलेबल है, लेकिन ये किसी को नहीं पता है कि सतोशी नाकामोटो एक आदमी है या एक महिला है या एक ग्रुप का नाम है। अभी तक इसके बारे में पता ही नहीं चल पाया है। तमाम अखबारों ने यह दावा किया है कि सतोशी नाकामोटो का जन्म 5 अप्रैल 1975 में जापान में हुआ था। अखबारों ने यह भी दावा किया है कि सतोशी नाकामोटो ने ना केवल बिटकॉइन में बल्कि क्रिप्टोग्राफी के एरिया में भी काफ़ी खोज की है। हाल ही में कुछ ऐसे फैक्ट्स भी सामने आए हैं जिससे ये पता चलता है कि सतोशी नाकामोटो ने ब्लॉकचेन डेटाबेस को भी डेवलप किया है और ये 2010 से बिटकॉइन को डेवलप कर रहे हैं। सतोशी नाकामोटो टोर ब्राउजर से इस काम को रिजल्ट देते थे। टोर एक ऐसा ब्राउजर है जो आपके आईपी एड्रेस को छुपाने में मदद करता है। इस ब्राउजर का इस्तेमाल बहुत पहले अमरीकी सेना और CIA द्वारा किया जाता था। बिटकॉइन से इतनी मिस्ट्रीज जुड़ी हुई है कि इसके बारे में किसी का भी अनुमान सही साबित हो ही नहीं रहा है। यहाँ तक कि जो दावा किया जा रहा है कि बिटकॉइन का इन्वेंट सतोशी नाकामोटो ने किया है, वो नाम भी असली है या मनगढ़ंत है, उस पर भी सस्पेंस है अभी तक। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि जब बिटकॉइन के लिए वेबसाइट bitcoin.org को रजिस्टर किया गया था, तो उसमें जब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का कोड जाना गया तो वो जापान का बताया गया। इसलिए इस रीज़न को भी और भी फोर्स मिलता है कि सतोशी नाकामोटो जापान के ही है और वो फिलहाल जापान में ही रह रहे हैं। वैसे आपके हिसाब से किसने किया होगा इस बिटकॉइन का इन्वेंट, क्या आपको कोई आइडिया है? वैसे मुझे तो यही लग रहा है पर्सनली कि बिटकॉइन का इन्वेंटर जापानीज़ होगा, क्योंकि ऐसे काम कोई जापानीज़ कर सकता है। एक अनुमान ये भी है कि सतोशी नाकामोटो के पास 24 मई 2017 तक 10 लाख बिटकॉइन थे, जिसकी कुल कीमत $19 अरब थी उस टाइम पे, और इस हिसाब से सतोशी नाकामोटो उस टाइम पे दुनिया के 44th रिचेस्ट पर्सन में से एक थे। दुनिया के लगभग सभी लोग यही सोच रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी चीज़ का इन्वेंट करने के बाद इसका इन्वेंटर गुमनाम क्यों है, इसका कोई तो रीज़न हो सकता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि बिटकॉइन करेंसी का इस्तेमाल अगर हर जगह किया जाए तो आज के समय में पूरी दुनिया में जितने भी बैंक है वो बंद हो जाएंगे और उनका इस्तेमाल कोई भी नहीं करेगा। तो इसका सीधा सा इशारा बस इस बात की ओर होता है कि इसके इन्वेंटर अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी जान बचाने के लिए दुनिया के सामने नहीं आना चाहते, इसीलिए ये आज भी गुमनाम रहते हैं, द ग्रेट सतोशी नाकामोटो। बिटकॉइन के फैक्ट्स जानने से पहले अगर आपने अभी तक होमस्टेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि होमस्टेड के आने वाली हर एक वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और अगर आप चाहें तो होमस्टेड चैनल को बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बिटकॉइन का पहला फैक्ट यह है कि अमरीकी इकोनॉमिस्ट और इकोनॉमिक साइंस में नोबेल प्राइज विनर मिल्टन फ्रेडमैन ने 1999 में बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी के उदय की भविष्यवाणी की थी। अपने दावे में फ्रीडमैन ने कहा कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का एक रिलायबल और लेकिन थॉटफुल तरीका वन्यजीव भविष्य में इंटरनेट पर विकसित होगा। बिटकॉइन का दूसरा फैक्ट यह है कि आज के टाइम में जहां दुनिया की मेजर कंट्रीज बिटकॉइन को बैन कर रखा है, वहीं पे निकोसिया यूनिवर्सिटी साइप्रस एजुकेशन फी की पेमेंट करने के लिए बिटकॉइन को एक्सेप्ट करने वाली दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी बनी थी। बिटकॉइन का तीसरा फैक्ट ये है कि आपको जान के हैरानी होगी कि नॉर्वे के एक स्टूडेंट ने बिटकॉइन पर $27 यानी कि ₹1925 खर्च किए थे, लेकिन बाद में वो उनके बारे में भूल गया और कुछ साल बाद उसे पता चला कि वो $8,86,000 यानी कि ₹6,31,94,393 का मालिक बन गया। वैसे काफ़ी लकी बंदा है ये। बिटकॉइन का चौथा फैक्ट ये है कि ऐसा माना जा रहा है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि FBI, जो अमेरिकन खुफिया एजेंसी है, उसके पास दुनिया की 1.5% बिटकॉइंस है। बिटकॉइन का पांचवा और आखिरी फैक्ट ये है कि जेम्स होवेल्स नाम के एक आदमी ने 7,500 बिटकॉइन वाले हार्ड ड्राइव को फेंक दिया था।
हार्ड ड्राइव प्रेजेंट में एक वेस्टर्न लैंडफिल में कचरे के पहाड़ के नीचे दबी हुई है, ऐसा कहा जाता है कि जिसकी कीमत लगभग आज की डेट में 62 मिलियन डॉलर यानी कि 4 अरब की है। तो दोस्तों बस आज के इन्वेंशन के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि होमस्टेड के आने वाले हर एक वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलता हूँ अगले हफ्ते एक नए इन्वेंशन के वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजूबाजू सफाई रखें, नियमों का पालन करें और ऑनेस्ट बने। और 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं।